बातमी आहे पुणे शहरामध्ये पार पडत असलेल्या पुणे बुक फेस्टिवलची. 99bookscart.com तर्फे सालाबाद प्रमाणे पुण्यातील वाकडेवाडी परिसरामध्ये पुणे बुक फेस्टिवल अंतर्गत पुस्तक प्रेमींसाठी भव्य पुस्तक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. पुस्तक प्रेमींसाठी हे अतिशय आनंदाची बातमी असून पुणे बुक फेस्टिवलच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच या ठिकाणी मराठी पुस्तकांचे प्रदर्शन देखील लावण्यात आले. विशेष म्हणजे मोठ्या सवलतीच्या दरात पुस्तक प्रेमींना या ठिकाणी सर्व प्रकारचे पुस्तक खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर नागपूर, नाशिक, मुंबई येथील पुस्तक वाचक प्रेमींच्या मोठ्या प्रतिसादानंतर परत एकदा पुणेकरांच्या भेटीला 99cart.com माध्यमातून पुणे बुक फेस्टिवल आले आहे. हे पुणे बुक फेस्टिवल 28 सप्टेंबर 2023 ते 2 ऑक्टोबर मध्ये वाकडेवाडीमध्ये पार पडत आहे. सकाळी 9 ते रात्री 10 या वेळेमध्ये भेट देऊ शकतात. विशेष म्हणजे फक्त 999 मध्ये 15 पुस्तकांचा सेट नागरिकांना भेटणार आहे व मराठी पुस्तकांवर विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. पुस्तक प्रदर्शन सोहळ्याची अधिक माहिती जाणून घेतली आहे 99bookscart.com प्रोप्रायटर महंतेश हिरेमत यांच्याकडून आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न तर्डे यांनी. पाहुयात. आता आपण आहोत पुणे येथील वाकडेवाडी परिसरामध्ये आणि आपण जर आज पाहिलं तर ह्या ठिकाणी गेल्या 2 दिवसापासून पुणे बुक फेस्टिवल अंतर्गत जी आहे 99bookscart.com यांच्यातर्फे जे आहे ते भव्य पुस्तकाचं एक्झिबिशन ह्या ठिकाणी पार पडत आहे. आपल्यासोबत 99bookscart.com जे संचालक आहेत महिंतेश हेरिमत त्यांचं नाव आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत घेणार आहोत. महिंतेश जी, आपका आपला आवाज में बहुत बहुत स्वागत. क्या बताओगे कितने दिन से जो है आज यहाँ पे ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? धन्यवाद. ये तो एग्जीबिशन 20 सितंबर से शुरू हो गया है, ये अक्टूबर 2 तक रहेगा और यहाँ पे 3000 से ज़्यादा मराठी बुक्स है और 70,000 से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स है और इधर लास्ट टाइम से भी हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और ये बार नया ये है कि हम बहुत सारे मराठी बुक्स लाए हैं जहाँ जो यहाँ पे इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मराठी बुक्स इन पुणे और लोगों का भी बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. हर बार हम सिर्फ यंग क्राउड आता था जो इंग्लिश बुक पढ़ते थे, ये बार काफ़ी सारे ओल्ड क्राउड भी आए हैं जो मराठी बुक्स पढ़ते और जो हमारा जो कस्टमर सिर्फ इंग्लिश बुक लेते थे वो उन लोगों ने भी अभी मराठी बुक्स चूज़ करने शुरू कर दिए, तो वो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम रीजनल बुक्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. मराठी बुक्स भी एग्जीबिशन में रखे तो उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? हर रोज़ कितने आपके पास सिटीजन्स आ रहे हैं और कैसे किस तरह से वो बुक्स की सेलिंग हो रही है? इधर तो मराठी बुक्स के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब इस बात के लिए कि हमारे पास जो थे इंग्लिश बुक्स जो नॉर्मली ब्रिटिश लिटरेचर के होते थे तो ये बार जो है मराठी बुक्स में तो हमारा कल्चर का फोकस करके लिखा हुआ ये बुक्स रहता है तो लोगों को बहुत वो इंटरेस्टिंग लगता है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है मराठी बुक्स. 99bookscart.com का जो है वेबसाइट पे हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है रिस्पॉन्स सिटीजन्स का मिल रहा है पर आज आप फिजिकली आप पुणे में आए हो तो वेबसाइट पे और फिजिकली में क्या आपको डिफरेंस महसूस आ रहा है, किस तरह से जो है यहाँ पे लोग आके आपके बुक्स खरीद रहे हैं? तो ऑनलाइन में तो हमारा भी पूरा इंडिया हम बुक शिप करते हैं. यहाँ पे क्या होता है हमको रीडर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि जाने के लिए, तो ये मराठी बुक्स हम इधर लाने का पहला रीज़न है कि लोगों ने हमसे पूछा था, तो यहाँ पे क्या होता है लोगों से हम बात की तो उनको उन्होंने बताया होंगे कि उन लोग क्या पढ़ रहे हैं और उनको क्या चाहिए, बेस्ड ऑन दैट हम नेक्स्ट एग्जीबिशन में वैसी बुक्स लेके आते हैं. आज जो पुणेकर लोग जो है आपके पास विजिट करने आ रहे, आपके बुक्स खरीदने आ रहे, तो उनके लिए क्या खास ऑफर रखे? जैसे पिछली बार अपन ने देखा पिछले साल जो था 99 रुपीज में कोई भी बुक लेके जाओ या 99 में जो है वो सरप्राइज बॉक्स उन्हें मिलता था, इस साल क्या आपके पास ऑफर है? तो यहाँ पे बुक तो सिर्फ 49 रुपीज में ही स्टार्ट होता है एक्चुअली और हमारे पास बहुत सारे ऑफर है. आप जो यहाँ पे आज पुणे बुक फेस्टिवल जो आपने अटेंड किया है तो आज आपने यहाँ पे कौन से तरह के बुक्स खरीदे और आपके फेवरेट ऑथर कौन है? मैं एक्चुअली डैन ब्राउन का मेरा फेवरेट ऑथर है, तो उनके बहुत मिस्ट्री वाले सारे मिस्ट्री थ्रिलर वाले बुक्स रहते हैं और मेरा फेवरेट जॉनर भी वही है फिक्शनल बुक्स, और उसमें भी अगर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री ऐसा कुछ हो तो मेरा फेवरेट जॉनर है, मुझे वो सारे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो? मैं कविशा जय जोशी और मैं पुणे में ही रहती हूँ, पिंपले सौदागर एरिया में. और हर साल जो है ये ऐसा पुणे बुक फेस्टिवल जो है यहाँ पे रहता है, आप आज पहली बार यहाँ पे आए हो, क्या भावना व्यक्त करोगे? हाँ मैं इस बार पहली बार आई हूँ बट मैंने ऑनलाइन इसका एड देखा था कि बुक फेयर लगने वाला है,
एंड मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बट मोस्टली मैं फिक्शनल बुक्स ही पढ़ती हूँ. सो जब मैंने सुना कि यहाँ पे बुक फेयर लगा है तो आना ही था. जिनको भी बुक्स पढ़ने की का शौक है उनको यहाँ पे मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है बुक्स की, सारे ही जॉनर्स है. तो और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कीम भी रखा हुआ है बॉक्स के हिसाब से, कि साइज ऑफ द बॉक्स के हिसाब से आप कितनी भी बुक्स ले सकते हैं. तो अगर पढ़ने का शौक है तो प्लीज़ आइए और यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. मैं डॉक्टर शेख मुजफ्फर सलीम, मैं एक रिटायर्ड प्राध्यापक है इंग्रजी से, आणि माझं मुख्य यायचं कारण असं की काही अगदी अशी पुस्तकं असतात की जी पुस्तकालयात, आणि हल्ली काय झालं पुस्तकांची दुकानच बंद व्हायला लागली, त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला हवी असलेली पुस्तकं सापडतील या आशेने मी इकडे आलेलो आहे. आणि कुठेही असेल बुक फेअर तर ते अटेंड करतो. कोणत्या पद्धतीची या ठिकाणी पुस्तकं आहेत आणि तुम्ही कोणती पुस्तकं खरेदी केली काय सांगाल? पुस्तकं वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत, फिक्शन आहे, नॉन फिक्शन आहे, मराठी पुस्तकं सुद्धा वेगवेगळ्या विषयावर पुढची आहेत. आता मला जे पुस्तक हवं होतं ते जंगल बुक, ते माझ्या ग्रँडसनसाठी मी घेऊ इच्छितो.